एसडीपीएस जिंदाबाद। हुकूम हम लोग हासिल करने के लिए जद्दोजहद मेहनत डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। जब तक हम जद्दोजहद करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जरूर एक ना एक दिन हम लोग को कामयाब मिले। नम अत्यंत संतोष आयु रैतन जाति ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಇವತ್ತಿಂದ ರೈತರು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಂತ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಜನರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವತ್ತು। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज एसडीपीआई की जानिब से सुबह से ही बहुत बड़ा एहतजाज किया गया। उनकी तीन मांगे थी, जैसे सदाशिव कमीशन है, कांताराज कमीशन है, और जो टू बी रिजर्वेशन जिसे रद्द किया गया था भाजपा हुकूमत की जानिब से, उसे फिर से लागू किया जाए, रिस्टोर किया जाए। लिहाजा इसी मांग को लेकर वो सुबह से ही आज सरगर्म रहे पूरे शहर में, और कसीर तादाद में एसडीपीआई के कारकुनान इसमें शरीक रहे। 6 दिसंबर से उनका जो है अम्बेडकर जाता जो बेंगलोर से निकला हुआ था, वो बेलगाम आज 11 तारीख को पहुंचा। लिहाजा इसी के पस मंज़र में उन्होंने कई सारे बातें की, और जिस तरह से बहुत जल्द जो रद्द किया गया है फिर से उसे शुरू लागू करने के बारे में जो उन्होंने कही है बात, उस पर काफ़ी सारे बातें बहस मुबासे देखे गए। लिहाजा उम्मीद यही कर सकते हैं कि जिस तरह से एसडीपीआई ने जो एक अपना एहतजाज दर्ज किया और सैकड़ों की तादाद में नौजवान और एसडीपीआई के कारकुनान इकट्ठा हुए, उसे देखते हुए इसका कुछ हद तक तो सरकार पर हुकूमत पर असर पड़ेगा, ऐसा उम्मीद जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके मरकजी और रियासती जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। वो अभी शाम तक यहाँ पर रहे और शाम तक ये इजलास चलता रहा। सुबह 10, 10:30, 11 बजे से जो शहर के दरमियानी इलाके से जो शुरू हुआ यहाँ तक वो चलता रहा। लिहाजा उम्मीद यही कर सकते हैं कि एसडीपीआई का ये आज का एहतजाज कामयाब रहा। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह। ओके, मैं अब्दुल मजीद, स्टेट प्रेसिडेंट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। एसडीपी का जानिब से दिसंबर 6 तारीख को बेंगलुरु का विधानसभा के सामने से ये सोशल जस्टिस के लिए चलो बेलगाम अंबेडकर जाता शुरू हुआ। 6 दिन तुमकुर, चित्रदुर्गा, होसपेट, कोपला, रायचूर, बीजापुर, यादगिर और बागलकोट, यानी 10 डिस्ट्रिक्ट को कवर किए। 10 डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट प्रोग्राम्स हुआ, जाता हुआ, अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ, ये तमाम होकर आज हम लोग जो विधानसभा सुवर्ण विधानसभा को पहुंचे हैं। ये रैली का, ये जाता का मकसद इतना ही है। नंबर वन मकसद है जो कांताराज कमीशन का रिपोर्ट, यानी कि कैश सेंसस बोलते हैं, इस कैश सेंसस अभी रेडी है रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना है और इसको एक्सेप्ट करके पब्लिशाइज करना है। मगर हुकूमत कांग्रेस का जो हुकूमत आज उसको लागू करने के लिए चोर आगे पीछे देख रहे हैं, इसमें थोड़ा लॉबीज है, इसको रुकावट करने के लिए उनका ही पार्टी का लोग रुकावट कर रहे हैं। एक साइड में राहुल गांधी बोलते हैं कैश सेंसस इंडिया का एक्सरे है, मगर कर्नाटक में उनका ही एक्सरे रिपोर्ट रेडी है, वो लागू करना है। पता नहीं सिद्धरामैया को कौन सी ऐसा प्रेजर है। तो हम तमाम कर्नाटक के आवाम की जानिब से ये मुतालबा करते हैं, मांग करते हैं कि कैश सेंसस को एक्सेप्ट करो और पब्लिशेज करो। दूसरी हमारा मांग है जो बीजेपी का हुकूमत जो 2B जो रिजर्वेशन था मुसलमानों के लिए उसको रद्द किया था, 6 महीना हो गया। जब कांग्रेस के तमाम लीडर्स ये बताए थे कि हम लोग अगर हुकूमत में आएंगे उसको हम लोग रेस्टोर करेंगे, मगर 6 महीने हो गया, 12 से 13 कैबिनेट मीटिंग हुआ, अभी तक इसका जिक्र नहीं है। हालांकि 2B स्टे है, मगर बहुत सारे डिपार्टमेंट में कन्फ्यूज है, तो कन्फ्यूज को दूर करना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है। देखिए, कैबिनेट मीटिंग में बीजेपी इसको रद्द किया था, बस सिंपल काम है वही, एक कांग्रेस का एक कैबिनेट मीटिंग बिठना है, उसको अगेन वो जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन को रद्द करना है। देखो, आप डीके शिव कुमार का एक केस था सीबीआई को, बीजेपी का, जब बीजेपी का कैबिनेट मीटिंग में डीके शिव कुमार को जो केस को सीबीआई देने का डिसीजन कौन लिया था, कैबिनेट लिया था बीजेपी का, वो कैबिनेट मीटिंग का जो डिसीजन रद्द कौन किया, अभी सिद्धरामैया का गवर्नमेंट का कैबिनेट। आपका मिनिस्टर को बचाने के लिए आप ये कैबिनेट मीटिंग में ये बीजेपी का डिसीजन को रद्द कर सकते, 1 करोड़ मुसलमान का
जो फ्यूचर का क्वेश्चन है, क्यों आप लोग ये 2B रिजर्वेशन का जो डिसीजन बीजेपी लिया था उसको रद्द क्यों नहीं करते, रेस्टोर क्यों नहीं रहते, ये हमारा मांग है। दूसरा, तीसरा हमारा मांग है SC ST का जो इंटरनल जो रिजर्वेशन है, 30 साल का डिमांड है, 30 साल का जद्दोजहद उन लोगों का, अभी तक उसमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसमें न्यायमूर्ति जस्टिस सदाशिव आयोग का एक कमीशन हुआ है, वेरी साइंटिफिकली कमीशन का रिपोर्ट रेडी है, बस ये लोग क्या करना है, इसको चर्चे को लाना है, पब्लिशाइज करना है, पब्लिक में चर्चा करना है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को इसको रेकमेंड करना है। हालांकि बीजेपी इसको रेकमेंड किया मगर इसको चर्चा नहीं किया, अनसाइंटिफिकली उसको रवाना किया, ये सही नहीं है। ये कर्नाटका में, कर्नाटका का रिपोर्ट है, कर्नाटका में इसके ऊपर डिबेट होना चाहिए, असेंबली में डिबेट होना चाहिए, उसके बाद वो सेंट्रल हुकूमत को रेकमेंड होना चाहिए। ये 3 मुद्दों पर हम लोग आज एहतजाज किए, रैली किए, उसका आज आपको मालूम है शरण प्रकाश पाटिल ऑन बिहाफ ऑफ सिद्धरामैया जी इधर आके हमारा जो भी मांग है उसको लेके बमराना को गए और वेरी पॉजिटिवली हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे बोले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार नहीं है, ये हम पूरे डिस्ट्रिक्टों में एहतजाज करे थे, उसके बाद गए महीने हम लोग बीजेपी छोड़ के तमाम MLA को ये जो रिक्वेस्ट लेके उनको मिले थे, हर MLA को हम मिले तो असेंबली में आप इसका इस सब्जेक्ट पे बात करो, डिस्कशन कर लो, मगर अभी तक कोई ऐसा स्टेप उठाए नहीं है। हम देखेंगे हमारा इस डिमांड को कैसा करेंगे, आइंदा ये लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे या इसको हमारा मुतालबा के मुताबिक ये लोग काम नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा और बड़ा एहतजाज और बड़ा संघर्ष होगा इंशाल्लाह। ये बार मुसलमान जो है 92% वोट कांग्रेस को दिया है, 92% यानी टोटल वोटर्स जो है कर्नाटका में मुसलमान का 70 लाख वोटर्स है, ये बार 55 लाख वोट पोलिंग हुआ उसमें 50 लाख मुस्लिम वोट दिए हैं, यानी कि कांग्रेस लिया हुआ वोट टू वोट में 30% कांग्रेस 1 करोड़ 67 लाख वोट लिया, 50 लाख वोटर्स मुसलमानों का यानी 30% मुसलमान, इतना बटा वोट देने के बावजूद भी मुस्लिम का ये जो 2B रिजर्वेशन का जो इश्यू अगर ये लोग नहीं कर रहे हैं बोले तो ये बहुत अफसोस की बात है। इसके ऊपर सीरियसली कौम के लीडर्स, कौम के उलमा, कौम के तंजीमें सोचना है, कौम के तंजीमें ये कब्रस्तान का अर्जी और कब्रस्तान को कंपाउंड का अर्जी ये सब छोड़ के जो अहम मुद्दा है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल का, इसके बारे में हमारे जितने भी कमिटी से जितने भी तंजीमें हैं बात करना। आप जो है देखिए, हम लोग जब बीजेपी इसको रद्द किया था उस टाइम में बहुत बड़ा एहतजाज हमें करे थे। देखिए, हम लोग सिर्फ SDP 60 जगह में कंटेस्ट किए थे, जो लोग क्या करे हम लोग को एक्सेप्ट नहीं करे उस टाइम में, कांग्रेस को वोट दिए, इतना बड़ा वोट देने के बाद उनका जिम्मेदारी है ना, जो वोट लिए हमारा हमारे हक अदा करने का उनका हाथ में है, SDP का हाथ में, SDP इत्तेजाज कर सकता है, मुतालबा कर सकता है, अवाम को जागृत कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, वो तमाम कामें हम कर रहे हैं। हमें दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के जैसे इलेक्शन टू इलेक्शन में काम करने वाली पार्टी नहीं है, 24/7 365 days हम लोग अवाम के मुद्दों पर काम करते हैं। कौमी लीडर्स को भी मुलाकात किया है, कौमी तमाम जितने भी यानी तंजीम है उनको भी हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं ये मुद्दा उठाओ, फॉर एग्जांपल कर्नाटका मुस्लिम यूनिटी उनको भी हम लोग बात किए थे, कल हम लोग को मुधोल में वो लोग इस्तकबाल करे, हमारा प्रोग्राम में भी उन्होंने शिरकत करे, वो लोग भी ये मुद्दा उठाकर काम कर ले करें। यानी मैं आपका माध्यम से ये अपील करता हूँ, जितने भी अंजुमने हैं, जितने भी तंजीमें हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, तमाम लोग ये जो ये मुद्दों का ऊपर आवाज उठाना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद।
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ಡಿಪಿ ಪಕ್ಷ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೂರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಸದಾಶಿವ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಟು ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶೇಕಡಾ 8ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಾಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 6ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಚಲೋ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಾಥಾವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಹೊರಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಾಥಾ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಲೇ ನಾವು ಟು ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಬಿಗಿದು ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಅಹಿಂದ ವರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಟು ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವತ್ತು ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಟು ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಈಗ 13 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ನಡೆದರೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಟು ಬಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕುರಿತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗಳು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಂತರಾಜ ಆಯೋಗದ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಶಿಯ ಕೇಸನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಇದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜಾತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆದು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹೇ ಕರ್ಕೊ ಬೋಲ್ ರೇ ಲೇಕಿನ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಕಾ ಅಭಿ ಭೀ ಡೌಟ್ ಹೈ ಸಿರ್ಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಪೂರಾ ಜೊ ಹಕ್ ಹೈ ಹುಕೂಮತ್ ಜೊ ಹೈ ಬಿಜೆಪಿ ಚಲಾ ರಹೀ ಕ್ಯೂ ಬೋಲೆ ತೋ ಜೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅವಾಮ್ ಕಾ ಜೊ ಡಿಮಾಂಡ್ ಥಾ ಅವಾಮ್ ಕಾ ಜೊ ವಾದಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೇ ವೊ ವಾದಾ ಕೋ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕರ್ನೆ ಕೇ ಲಿಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತಯಾರ್ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ಜೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾ ಟೈಮ್ ಮೇ ಹಮೇ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಕೋ ಯೇ ವಾದಾ ಕರ್ತೇ ವೋಟ್ ದಿಯೋ ಕರ್ ಕೋ ಜೊ ವೋಟ್ ಲಿಯೆ ಉಸ್ಮೇ ಟು ಬಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕಾ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕಾ ಜೊ 4% ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೋ
हटाए थे वो रिजर्वेशन को वापस करते हैं करके जो बोले हैं आज वो वापस करना है। उसके साथ साथ 4% से 8% को रेज करना ये हमारा डिमांड है। उसके साथ साथ जो कांतराज आयोग का जो वर्दी है जाति जनगणति जो कास्ट वाइज जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट को ऑन करना है और टेबल करना है, टेबल करके रिलीज करना है, ये हमारा डिमांड है। और एक डिमांड है सदाशिव आयोग का जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट को नेशनल को रिकमेंड करना है, ये रिकमेंड करके जो है ये इंसाफ कायम करना है। इसके लिए जिद्दोजहद हमारा स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब आते हैं, हम लोग वेलकम करते हैं। ये जो प्रोटेस्ट ये जो जाता है परमिशन ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಸರ್ಕಾರ ತಲುಪಿಸೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಮುಗಿತು.
ನಾನು ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ತಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜಾಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಂದ್ರಗಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಷಯ ನಾನು ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಜನನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ¡Gracias!
भाई ऐसा चला अक्रम भाई ऐसा चला आओ आओ चलो चल 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 च